हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियंका मित्र जी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो व्लॉग है बहुत ही छोटा सा है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वर सावित्री पूजा की जो मैंने तैयारी की है, जो मैंने लिया है मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। उससे पहले सभी को वर सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ, भगवान सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं, आप लोग वीडियो पर ऐसे ही बने रहिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बरगद की टहनी मंगवा ली है, काफ़ी बड़ी टहनी है। और ये जो आप गमला देख रहे हैं वो टहनी इसी गमले में लगेगी, क्योंकि कल वट सावित्री पूजा है तो मैं इसी गमले में वट वृक्ष की पूजा करूंगी। ये जो टहनी थी काफ़ी झुकी झुकी थी तो मुझे पूजा करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने कहा एक बड़ा सा डंडा लेके और इस पौधे को बांध देने के लिए, क्योंकि जब फेरी लगाएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैंने कहा कि तुम बड़े वाले डंडे में धागे से बांध दो। मैं ये जो वट सावित्री पूजा लॉकडाउन के बाद से घर में ही करती हूँ, और मुझे घर में सुविधा भी बहुत होती है। अपना आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत हड़बड़ी में पूजा पाठ करना होता है, इसलिए मैंने घर में ही पूजा स्टार्ट कर दिया है। तो हर साल मैं वट सावित्री पूजा घर पर ही करती हूँ, इसी तरह टहनी मंगवाती हूँ और गमले में लगा के इसकी पूजा करती हूँ। टहनी लगाने के बाद इसमें पानी डलवा दिया ताकि जो टहनी हो ताज़ा रहे। तो चलिए आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि मैंने वट सावित्री पूजा के अवसर पे क्या क्या लिया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल है वट सावित्री पूजा, तो कल की तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग की तैयारी हुई या नहीं हुई। और कल के लिए आपको सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ, भगवान हमेशा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप लोगों ने पीछे की वीडियो में देखा होगा कि मैंने बरगद की टहनी मंगवाई है, तो मैं घर पे ही पूजा करती हूँ। तो बरगद की टहनी को मैं गमले में अच्छे से लगा करके और फिर पूजा करती हूँ, और फिर अगले दिन विसर्जन कर देती हूँ। ये पूजा मैं लॉकडाउन के टाइम से ही घर पे करने लगी थी, मुझे अब घर पे ही करना अच्छा लगता है। तो आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। और मैंने वट सावित्री पूजा की क्या क्या शॉपिंग की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो आज की जो साड़ी है मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने वट सावित्री पूजा की जो शॉपिंग की है आप देख सकते हैं, मैंने ये साड़ी ख़रीदा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये साड़ी आपको कैसे लगी। देख सकते हैं दो कलर कॉम्बिनेशन है, रेड में और ग्रीन में। तो ये साड़ी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये आँचल है आपका, देख सकते ये जो छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं ये आँचल पर लगे हुए हैं, और पूरी साड़ी पर आपको इस टाइप से मिल जाएगा। देख सकते हैं इसका बॉर्डर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, ग्रीन और रेड का। आप देख सकते हैं जरी वर्क किया हुआ है, पूरे हाफ साड़ी में आपको ऐसे ही वर्क मिलेगा, पूरा साड़ी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये साड़ी आपको कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने सिटी स्टाइल से खरीदा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा साड़ी है। आप आँचल पे देख सकते हैं छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत साड़ी। इसका बॉर्डर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी साड़ी है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये साड़ी कैसा लगा। इसका जो ब्लाउज है मैंने सिल लिया है, देख सकते हैं आप, फोर टक्स ब्लाउज है, ग्रीन कलर का इसका ब्लाउज है। इसका स्लीव देख सकते हैं, ये मैंने लेस लगाया है, बहुत ही खूबसूरत लुक इसका दिख रहा है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। फ्रंट में मैंने हुक लगाया है, अब बैक में आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन। ये मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग और लेस लगाया हुआ है, और पीछे में मेरा बॉर्डर ब्लाउज का बचा हुआ था तो मैंने ऐसे डिज़ाइन बनाया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लाउज कैसा लगा। और देख सकते हैं मैंने नीचे चुन्नटें डाली हुई हैं, तो आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस साड़ी के साथ मैंने पहनने के लिए फ्लिपकार्ट से मैंने ये नेकलेस मंगवाई है, देख सकते हैं आप, क्योंकि ये साड़ी का कलर रेड और ग्रीन है तो
मैंने ये नेकलेस मंगवाई है, तो आप लोग ज़रूर बताइए आपको ये नेकलेस कैसा लगा। इसके साथ आपको देख सकते हैं इसका इयररिंग्स कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा इयररिंग्स है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। इसमें आपको मांग टीका भी मिल जाएगा, देख सकते हैं आप इस टाइप से। तो आपको ये ज्वेलरी सेट कैसा लगा, अगर आप लोग चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आपको लिंक दे दूंगी। आज का जो मेरा चूड़ा है देख सकते हैं आप, साड़ी से मिलता जुलता है ये चूड़ा, मैंने सेट किया है खुद से। ये मैंने जो कंगन है ये मैंने मीशो से मंगाया है, और ये कांच की चूड़ी सारी मैंने ऑफलाइन ली हुई है, मार्केट से ली हुई है। ये सारी चूड़ी मैंने ऑफलाइन ही लिया हुआ है, ये सिर्फ मैंने मीशो से मंगाया है और मैंने ये खुद सेट किया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये चूड़ी सेट आपको कैसा लगा। ये साड़ी से मिलता जुलता चूड़ा है, आप देख सकते हैं ये कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं ये मेरी शादी की चुन्नी है, नेट की है, ये मुझे ससुराल से मिला था। तो आप लोग ज़रूर बताइए ये चुन्नी आपको कैसी लगी। ये कल मैं अपने ऊपर डालूंगी ये चुन्नी, और डाल के ही पूजा करूंगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा चुन्नी आपको कैसी लगी। और लास्ट देख सकते हैं आप मेरा ये मंगलसूत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पूजा पाठ में, आपको मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मंगलसूत्र का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। आपको मेरा साड़ी चूड़ी ज्वेलरी सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साड़ी और चूड़ी मैंने ऑफलाइन लिया हुआ है, और जो मैंने ज्वेलरी सेट लिया है वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल। कल के लिए सभी को वर सावित्री पूजा की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपना सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।